बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म जवान ने दो दिनों में तो दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, लेकिन दोस्तों फिल्म के तीसरे दिन की बुकिंग भी पूरी तरह से कमाल की हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जवान के वर्ल्ड वाइड अपडेटेड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे फिल्म ने दुनिया भर से कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि शाहरुख खान की जवान फिल्म आपको कैसी लगी, सुपर हिट या सुपर फ्लॉप। ये तो शुरुआत है, रेडी। तो दोस्तों यहाँ पर शाहरुख खान ने 2023 में जो जबरदस्त वापसी की है इससे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आपको याद हो तो शाहरुख खान की जो लास्ट फिल्म आई थी 2018 में जीरो, वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई थी। उसके बाद शाहरुख खान ने 4 साल का लंबा गैप लिया और फाइनली 2023 में उनकी फिल्म रिलीज हुई पठान, और पठान ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग ली और फिल्म के लाइफ टाइम कलेक्शन भी 1000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के रहे। अब दोस्तों पठान तो बॉक्स ऑफिस पर मेगा ब्लॉकबस्टर बन ही चुकी थी, लेकिन यहां पर जवान बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही पठान पर भी भारी पड़ी, क्योंकि दोस्तों जवान फिल्म ने हिंदी मार्केट में ही नहीं बल्कि साउथ लैंग्वेजेस में ही रिलीज होते पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग ली। हालांकि दोस्तों बात करें जवान के कलेक्शन के बारे में तो अटली कुमार के डायरेक्शन में बनी जवान जिस फिल्म में शाहरुख खान के साथ में नयनतारा विजय सेतुपति देखने को मिल रहे हैं, और फिल्म को हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु में भी रिलीज किया था। दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन हिंदी से ही नेट कलेक्शन 65 करोड़ का किया और यह फिल्म बॉलीवुड की बिगेस्ट ओपनर बन गई। वही दोस्तों जवान फिल्म ने अपने पहले दिन तीनों भाषाओं से नेट कलेक्शन इंडिया में 75 करोड़ का किया। कि दोस्तों फिल्म के जो दूसरे दिन के कलेक्शन है इसमें एक अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, मॉर्निंग वाले वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि यहां पर जवान फिल्म को सेकंड डे मॉर्निंग शोज में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है, पर कहीं ना कहीं सुबह यह विश्वास था कि फिल्म आफ्टरनून के शोज में एक बड़ा जंप दिखाएगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। जवान के जो आफ्टरनून के शोज है वो कल के मुकाबले 50% ड्रॉप हो गए, जो कि एक तरह से काफी बड़ा ड्रॉप है। पर अच्छी बात दोस्तों ये है कि फिल्म को इवनिंग और नाइट वाले शोज में फिर से बूस्ट मिल गया। हालांकि आज वैसे भी वर्किंग डे है, नॉर्मल सा दिन है फ्राइडे, तो फिल्म के ज्यादा कलेक्शन आ जाने की उम्मीद तो रखना बुरी बात थी, लेकिन फिर भी जवान के कम कलेक्शन भी इतने ज्यादा है कि इतनी तो बॉलीवुड की बाकी फिल्मों की 2 दिन की कमाई भी नहीं रहती। जी हाँ दोस्तों, जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक जवान अपने दूसरे दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन तीनों भाषाओं में 50 करोड़ का कर रही है, और इसी के साथ दोस्तों जवान फिल्म का 2 दिनों में जो टोटल कलेक्शन होता है वो ऑल इंडिया नेट हो रहा है 125 करोड़ रुपए, वही ऑल इंडिया ग्रोस कलेक्शन 149 करोड़ रुपए। दोस्तों फिल्म का 2 दिनों में जो ओवरसीज कलेक्शन है यानी कि विदेशी कमाई वो लगभग 65 करोड़ रुपए की रेंज में जा रही है, और इसी के साथ दोस्तों जवान फिल्म का 2 दिनों का जो वर्ल्ड वाइड एस्टिमेट कलेक्शन है वो लगभग 214 करोड़ का हो रहा है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, जवान फिल्म 2 दिनों में 214 करोड़ की कमाई कर रही है। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें जवान फिल्म के तीसरे दिन की बुकिंग के बारे में तो आप सबको पता है कि कल है सैटरडे यानी कि हाफ हॉलीडे, जिसकी वजह से ही दोस्तों यहां पर जवान फिल्म की जो तीसरे दिन की बुकिंग है वो दूसरे दिन के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर है। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों यहां पर जवान फिल्म ने अपने तीसरे दिन की जो बुकिंग है अभी तक 28 करोड़ की कर ली है, और जब तक रात के 12 बजे की तब तक जवान के तीसरे दिन की बुकिंग 35 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हो जाएगी इंडिया में। यानी कि दोस्तों अंदाजा लगाया जा सकता है कि जवान फिल्म अपने तीसरे दिन भी इंडिया से नेट कलेक्शन 60 करोड़ से ज्यादा का करेगी, और संडे तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से धमाका करने वाली है। हालांकि देखना यह है कि यहां पर जवान का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो इंडिया में 500 करोड़ तक जाता है और वर्ल्ड वाइड मार्केट में 1000 करोड़ तक जाता है या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, जवान फिल्म पठान और गदर 2 के रिकॉर्ड तोड़ पाने में कामयाब होगी? कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।